हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सेहतमंद पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे खूनी दस्त, जिसे पेचिस भी कहते हैं और डाइसेंट्री भी कहते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इंतहाई खून आलूदा, मोशन आते हैं, लगातार बुखार होना, इंतहाई कमज़ोरी, और घर पर अगर आप इसका इलाज करें तो पेशेंट को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं और खाने के लिए लिक्विड चीज़ें दें, मसलन साबुदाना, दलिया और ORS वगैरह का इस्तेमाल डॉक्टर के पास जाने से पहले ही आप इसे करवाएं बच्चे को या बड़े को। और ठोस गिज़ा बिल्कुल मत दें और रेशेदार गिज़ा भी मत दें। फ्रूट वगैरह सख्त जो होते हैं छिलकों वाले वो भी मत दें। बच्चे को दूध भी मत दें क्योंकि दूध से भी बहुत ज़्यादा मोशन आएंगे और वॉमिटिंग भी होगी। इसके अलावा बर वक्त आप डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं ताकि इलाज अच्छे तरीके से शुरू हो सके। अगर दस्त लगे हैं, 2-3 दिन हो गए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और बिल्कुल भी देर मत करें। 12 से 24 घंटे के दौरान जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और इसके लिए आपको ORS का इस्तेमाल ज़रूर करना है, खुद से इलाज नहीं करना बिल्कुल भी। और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाके आपने बच्चे को या कोई ड्रिप वगैरह डॉक्टर लगाएंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ इंजेक्शन लगाएंगे, तब कहीं जाके ये यूनी मोशन वगैरह के इन्फेक्शन के लिए जो भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो देंगे। इसके अलावा अगर आप सफ़र में और बच्चे को ये हो गया मसला या बड़े को हो गया यूनी मोशन लग गया, तो सफ़र में आप सफाई का ख्याल रखें, पानी साफ दें, और घर में भी है तो घर में भी सफाई का ख़ास रखें। इससे जोड़ों में दर्द भी हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक मोशन लगे रहें, जिससे पे पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, आंतों में इन्फेक्शन हो जाती है गंदा खाना खाने से या गंदा पानी पीने से हो जाता है। अगर दस्त वगैरह बिगड़ जाए तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है, तेज़ बुखार हो जाता है, खून आलूदा, मोशन आते हैं, कमज़ोरी हो जाती है। इसके लिए आप फौरन डॉक्टर के पास जाएँ और बच्चे का या बड़े का जो भी हम बुज़ुर्ग हैं उनका फ़ौरन इलाज करवाएं। और इसके लिए मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने सारी मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी, जो सिम्टम आपके मैच हो रहे हैं वो इस्तेमाल करें। अगर समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट भी कर सकते हैं, और अगर आपके करीबी कोई डॉक्टर है तो आप उसके पास भी जा सकते हैं। और बर वक्त इलाज करना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चा कमज़ोर होता जाता है या बड़ा जो भी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है और कमज़ोरी बढ़ती जाती है। इसकी मेडिसिन ये होगी कि पेट में अगर मरोड़ है और आंवल भी आ रही है तो उसके लिए मर्ड कॉर है, और मोशन आ रहे हैं, अगर आंवल में खून आ रहा है तो इसके लिए मर्ड कॉल आपके लिए, इसके पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में आप इसे 5 ड्रॉप्स पानी में डालकर, आधे गिलास पानी में, आधे कप पानी में डालकर दें। मतली और वॉमिटिंग हो रही है, आंवल का रंग ग्रीन कलर का है, गहरे ग्रीन कलर का, तो कैमोमेला 30 पोटेंसी में दें बच्चे को, 3 ड्रॉप्स दें बच्चे को, और बड़े को जो 5 साल की उम्र के बच्चे हैं उन्हें 5 ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसके अलावा सब्ज रंग की के मोशन है, जर्द आंवल है, जलन हो रही है साथ में, तो कैंथेरस 30 पोटेंसी में आप 5 ड्रॉप्स दे सकते हैं पानी में डाल के। इसके अलावा डायरो ऑफ सिरप आता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसके, मैं घर में भी अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। डायरो ऑफ बहुत अच्छा सिरप है होम्यो का, आप ये इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द जो भी पेशेंट है उनको ठीक हो जाएगा, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। आज के लिए बस इतना ही, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली जब भी नई वीडियो होगी इसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल के आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।